की तरह एक्चुअली ऑलमोस्ट दिसंबर में नर्वसनेस हो जाता है कि इस साल आपको कॉल आएगा या नहीं, तो वो जब कॉल आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही कॉल्ड मी. एंड ऑफकोर्स उस टाइम फिर आइडियाज शुरू हो जाते हैं कि क्या शॉट करना है इस बार, क्या करना है. तो आई वॉज रियली एक्साइटेड. आई वॉन्टेड टू डू दिस कूल क्यूट सेक्सी शॉट बट विद सो मच फूड, तो वो अच्छा हो गया. बहुत खुश हूँ. एक्चुअली आई हैव अ रियली लॉन्ग कनेक्ट, मतलब एक तरह से मैं बोलूँ तो मेरी जो मॉडलिंग की जर्नी है वो कहीं ना कहीं उनके नाम के साथ स्टार्ट हुई थी. इन द सेंस जब मुझे मॉडलिंग करनी थी और मुझे पता नहीं था कि कैसे शुरुआत करूँ, तो मुझे किसी ने बोला था कि डबरुतानी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, आपको पोर्टफोलियो कराना चाहिए. सो आई गूगल्ड हिज नेम एंड आई वेंट ऑन द साइट जहाँ पे एक आई फ्रेश फेस का कॉन्टेस्ट था कि आप अपनी पिक्चर्स डालो, इफ यू विन दिस कॉन्टेस्ट यू विल गेट अ फ्री पोर्टफोलियो बाय डबरुतानी एंड अ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट. And I won that contest and I got a free portfolio done actually by him. And after that I modeled for a bit and then a movie star ke jab unka wo message aaya that I wanna shoot you for my calendar. That did mean something to me because mujhe aisa laga tha ki wahan se yahan tak main aa gayi hu, to matlab it does mean something. जाती थी या इंटरव्यूज जाती थी आई वुड गो मीट समबडी न्यू, हमेशा ये कैलेंडर सबके डेस्क में होते थे. सो आई एम सो एक्साइटेड दैट आई फाइनली गॉट टू शूट विद डब्ल्यू दिस ईयर. मैंने कहा ये जो न्यूज़पेपर फ्लाई कर रहा है क्या ये सही में है, और मुझे वीजा हिडन वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है. यार उसमें ऐसा इसलिए है बिकॉज ऐसी फोटोग्राफी जो है बड़ी जल्दी ऐसे लग सकती है कि लेकिन उसको देखे ऐसा हुआ, इसीलिए very interesting. Yeah, all the women are super hot. I think Dabu always makes the women look outstanding. Lisa is new, I see. It looks really interesting. Actually, we were walking around the studio looking for a photo and we had some ideas and it just kind of happened. It was a sort of wacky, quirky idea and I loved it because, I don't know, I just think it depicts someone in their very natural state. We always under-glamorize what we are like at home or what we're like in our personal time, but I think it's the most... Yeah, actually, Devita ko bol raha tha ki Shahrukh sabse zyada hot lag rahe hain. Shahrukh. शाहरुख और पानी का जो कॉम्बिनेशन है वो कमाल का है. बचपन में जब मैं छोटी थी तो जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाती थी क्योंकि कैलेंडर रहता था डेस्क पर. तो हमेशा एक सपना रहा है कि नो वन डे आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस एंड आई वांट टू बी ऑन दिस कैलेंडर. तो जब डेब्यू शो का फोन आया था तो मैं इतनी एक्साइटेड थी. आई जस्ट फेल्ट रियली स्पेशल एंड his family, the energy on shoot, his kids, they're all so adorable. It feels like a happy family while shooting. I think every time the concept kuch alag hona chahiye,
तो डबू और हमेशा मैं हमेशा references ढूंढते हैं, what do we want to do, do we want to go cute, do we want to go sexy, do we want to be sweet, और कुछ options हम लोग try करते हैं. And I think the idea is to make each picture look as like standing out as possible. This is not the first time I've gone bare body. I've been bare body many times in my life, just not in this photo. I really like it because Dabu ne bola bike pe to be on the bike, so it was very different. So it's fun, and it's my second time doing this part on Dabu Ratnani's calendar, so it's awesome. Oh my god, it's so difficult. I really like Kriti. बहुत खुश है. आई थिंक हर साल खत्म होने के बाद जो हैप्पी न्यू ईयर होता है, एक्साइटमेंट होती है कि डब्बू की इमेज देखे आप, डब्बू का फोटोशूट करें साल के एंड में. हमेशा कुछ ना कुछ क्वर्की, कुछ आड़ा टेढ़ा एलिमेंट ट्राई करते हैं. मुझे अपनी तीनों पिक्चर्स काफ़ी पसंद आई है, मेरे घर पे है इनका एक बड़ा ब्लो आउट. तो यार आज भी जब देख रहा हूँ, आई थिंक लीसा वॉज वेरी डेयरिंग, आई थिंक हाउ कूल पिक टू हैव. एंड या एज ऑलवेज अब मैं वेट कर रहा हूँ कि छोटा वाला कब आएगा हमारे घर. ये मनीषा से पूछो यार, ये मनीषा ने करवाया मुझसे, ये मनीषा ने कराया. ये मुझे बोलती रही बटन खोलते रहो और अगर हम 10 मिनट और कर दें तो पूरी शर्ट उतर पाते हैं. तो ये इसका फोटो है, मुझे तो समझ नहीं आता ग्लैमर फोटो. सो मैं वही करता हूँ जो मुझे डब्बू, जो मेरे बहुत मतलब जिस दिन से मैं बॉम्बे आया हूँ तब से मेरे दोस्त हैं. आई हैव नोन हिम फ्रॉम द डे आई हैव लैंडेड इन मुंबई. सो he tells me what to do and I just do it. So I have no idea of glamour. I think all these people are wonderful. So I just told my good luck. I never told anybody else to tell. Yeah, yeah, she told me to open my shirt, unbutton my shirt. So.